नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका रिजोना एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो इस वीडियो में देखना है टेलर ऑप्शन टाइल सर्फ, इसके लिए मैंने आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक्चुअल जो डायग्राम रहती है वो बनाई है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसका एक डायग्राम निकाला है। इसमें पूरे वीडियो में आपको ये काम कैसे करता है, इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग कैसा है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये सब बताने वाला हूँ। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक आप कमेंट डाल सकते हो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेस है तो वो भी आप बता सकते हो मुझको। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहला तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका कैरियर मॉड्यूलेटिंग का उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। कैरियर मॉड्यूलेटिंग क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म है, उसमें क्या रहता है कि आपके जो सिग्नल्स रहते हैं वो सिग्नल्स को क्या करता है, उसको अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे जो भेजने की प्रोसेस रहती है उसको क्या कहते हैं, कैरियर मॉड्यूलेटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स है, आपके जो वेव फॉर्म होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी उसके ऊपर वो डिपेंड है। लेकिन मैकेनिकल के स्टूडेंट को इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना याद रखिए कि इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, कैरियर मॉड्यूलेटिंग का प्रिंसिपल है उसका। फिर उसके कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें आपका ये जो टिप है, ये टिप का साइज़ क्या रहता है, 0.002 माइक्रॉन, मतलब 2 माइक्रॉन का इसका टिप रहेगा। क्यों 2 माइक्रॉन का टिप रहेगा, क्योंकि आपकी जो सरफेस इरेगुलरिटीज है अगर रेडियस ज़्यादा रहा तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, इसलिए इसका उन्होंने क्या किया, टिप का रेडियस कितना है, 2 माइक्रॉन का टिप का रेडियस है। और टिप को कौन गाइड कर रहा है, उसका स्किड या उसको शू कहते हो, कि जो क्या कर रहा है आपके जैसे सरफेस होगा उसको क्या कर रहा है, वो गाइड कर रहा है। फिर आपका ये जो मेजरिंग टिप है उसको ही क्या है, एक आर्मेचर बोल के उन्होंने क्या किया, उनको उसको कनेक्ट किया है। फिर ये आर्मेचर के ऊपर या आप देख सकते हो इसका जो ये शेप है वो ई टाइप में है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, ई टाइप स्टैम्पिंग कहते हो। और ये जो आपका आर्मेचर ये ई टाइप स्टैम्पिंग को क्या किया है, यहाँ पे ऐसे पिवट किया है, मतलब वहाँ पे उसको प्लेस किया है। फिर ये जो ई टाइप स्टैम्पिंग है उसको क्या किए, 2 कॉइल कनेक्ट किए है, कॉइल ए बी और कॉइल ए सी, जिससे क्या होता है आपका ए सी करंट पास होता है। फिर होता क्या है कि जब मेजरमेंट के टाइप आप कोई सरफेस फिनिश मेजर कर रहे हो तो क्या होगा, ये जो सरफेस होगा आपका ऐसे इसको ट्रैवल करेगा। ट्रैवल करते टाइम क्या होगा, अगर आपके सरफेस फिनिश में कुछ चेंजेस है तो क्या होगा, आपका ये आर्मेचर क्या होगा, जैसे आपका सरफेस फिनिश होगा वैसे वो क्या होगा, टिल्ट होगा। जैसे टिल्ट होगा वैसे क्या होगा, आपका ये जो ई स्टैम्पिंग है वो क्या होगा, आइदर ये साइड बेंड होगा नहीं तो फिर ये साइड बेंड होगा। उसके वजह से होगा क्या कि आपका जो यहाँ पे एयर गैप रहेगा वो एयर गैप क्या होगा, कम ज़्यादा होगा। अगर एयर गैप कम ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे जो करंट आपका फ्लो हो रहा है एसी करंट, उसका क्या होगा, मॉड्यूलेशन होगा, मतलब क्या होगा जाएगा, उसको वैरी बोल सकते हैं आप, वो करंट क्या हो जाएगा वहाँ पे वैरी हो जाएगा। अभी उसके आगे का अगर आपको कंस्ट्रक्शन समझ में, वर्किंग समझ में लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डायग्राम के ऊपर ध्यान में रहना पड़ेगा। यहाँ पे क्या, 2 रजिस्टर है और ये 2 कॉइल है, आप कॉइल देख सकते हो, कॉइल ए बी और कॉइल ए सी है यहाँ पे। तो जैसे आपका ए सी करंट का चेंज होगा वैसे क्या होगा, यहाँ पे आपका एक ऑसिलेटर क्या करेगा, वो जो आपका सिग्नल रहेगा जो आपने उसका मेजरमेंट किया है वो क्या करेगा, वो ऑसिलेटर उसको वेव फॉर्म को कन्वर्ट करके क्या करेगा, आपके एम्पलीफायर को भेजेगा। एम्पलीफायर को भेजते टाइम क्या होगा, वो कैरियर टाइप में वो सिग्नल्स रहेंगे। फिर एम्पलीफायर क्या करता है, आपके जो भी कुछ सिग्नल्स रहेंगे उसको क्या करता है, वो एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई करके वो क्या करेगा, डीमोडुलेटर को देगा। लेकिन आपकी पहले वेव फॉर्म ऐसी रहेगी, फिर एम्पलीफायर के बाद उसकी वेव फॉर्म कैसी रहेगी, मॉड्यूलेटेड कैरियर टाइप में रहेगी। फिर ये जो मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव फॉर्म है वो क्या होगी, डीमोडुलेटर के पास जाएगी। डीमोडुलेटर क्या करेगा, उसको वो जो वेव फॉर्म है उसको क्या करेगा, डीमोडुलेट करेगा और उसको क्या करेगा, थोड़ा सा स्मूथ करेगा। देख सकते हो आप यहाँ पे शार्प कॉर्नर्स है, फिर वो जो ये निकलेगी वेव फॉर्म वो कैसे होगी, थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। फिर ये जो स्मूथ वाली वेव फॉर्म है वो क्या होगी, आपका जो रिकॉर्डर है रिकॉर्डर के पास जाएगी। और यहाँ पे रिकॉर्डर में क्या है, एक पेन मैकेनिज्म है। वो पेन मैकेनिज्म क्या करता है, जितना आपका ये स्टाइलस मूव कर रहा है वर्टिकल मूवमेंट में, वो वर्टिकल मूवमेंट को क्या करता है, वो बराबर वो वोल्टेज मतलब आपका जो करंट सिग्नल्स है उसमें कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे क्या करता है, परमानेंट टाइप में उसको क्या करता है, मार्क करता है। एट द सेम टाइम डीमोडुलेटर से जो सिग्नल जा रहे हैं वो फिल्टर होके आगे आपका जो करंट रहेगा, करंट मीटर यहाँ पे, वो करंट मीटर पे बताएगा। मतलब जितने अप डाउन मूवमेंट है आपकी स्टाइलस की वो क्या होगी, डायरेक्टली आपको न्यूमेरिक वैल्यू में आपको पता चल जाएगी। ठीक है, आया समझ में।
एक बार वापस क्विक रिव्यू कर देता हूँ मैं इसका, कि पहली बात तो क्या है कि आपका टिप है उसका साइज 2 माइक्रोन है, फिर उसको गाइड कौन करता है, स्किड करता है, फिर ये जो आपका स्टाइलस है उसको ही आप आर्मेचर कहते हैं, आर्मेचर बोल के यूज़ किया है, फिर ये आर्मेचर क्या है, ई टाइप स्टैंपिंग पे क्या है, वो पिवोट है, फिर उसको ये कॉइल जो है ई टाइप स्टैंपिंग है उसको 2 कॉइल है, AB और AC है, जैसे ये अप डाउन होगा उसमें टिल्ट होगा तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे टिल्ट करेगा, टिल्ट करने के टाइम यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एयर गैप कम ज़्यादा होगा, एयर गैप कम ज़्यादा हुआ तो आपका AC जो करंट है उसका फ्रीक्वेंसी चेंज, मतलब AC करंट चेंज हो जाएगा, AC करंट चेंज होने की वजह से आपका यहाँ से सिग्नल जाएंगे आपके एम्पलीफायर की तरफ, लेकिन वो पहले कैरियर टाइप में रहते हैं, फिर एम्पलीफायर उसको एक कैरियर टाइप में किस कौन करता है, ये आपका ऑसिलेटर करता है, फिर वो एम्पलीफायर के पास जाएंगे, एम्पलीफायर से उसको क्या करेगा, मॉड्यूलेट कैरियर करके उसको आगे भेजेगा डीमॉड्यूलेटर को, डीमॉड्यूलेटर उसको क्या करेगा, स्मूथ करेगा सिग्नल्स को और पेन रिकॉर्डर के पास भेजेगा, एट द सेम टाइम वो क्या करेगा, वो करंट मीटर को भी भेजेगा, करंट मीटर क्या करेगा, उसको आपके जो वर्टिकल मूवमेंट्स है उसको डायरेक्टली न्यूमेरिक वॉल्यूम में आपको दिखाएगा, ये ऐसे आपका क्या है टाइलर हॉब्सन टाइल सर्फ है। आपको वीडियो कैसा लगता है बताइए, थैंक यू।